दोस्तों इंडोनेशिया जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश है। दोस्तों इंडोनेशिया के किसानों ने चावल की खेती करने का एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला है। दोस्तों इंडोनेशिया में जब चावल की खेती करी जाती है तो उसके बाद चावल के खेतों में बहुत सारी मछलियां घेर दी जाती है, जिसके कारण मछलियां उर्वरक के रूप में काम करती है। क्योंकि दोस्तों जब मछलियां चावल के खेतों में पहुंचती है तो वो फसल में मौजूद जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उनको खा जाती है, जिसके कारण चावल की खेती के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे चावल की पैदावार पहले के मुकाबले 10% बढ़ जाती है, जिससे कि किसानों को चावल की खेती करने में मदद मिलती है। दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और आज के लिए इतना ही।